सो गाइस, मैं अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्मारक जहाँ पर है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुई थी गाइस, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपको मैं अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस। देखिए कितनी खूबसूरत रानी लक्ष्मीबाई जो घोड़ा पर सवार है गाइस, कितनी खूबसूरत गाइस, देखिए कितनी खूबसूरत इसका जन्मस्थली जो यहाँ पर मौजूद है गाइस, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस, रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर आपको दिख रहा है गाइस। बहुत ही खूबसूरत, डॉटर ऑफ काशी, क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई लाइफ हिस्ट्री गाइस, देखिए कितना खूबसूरत है गाइस। गाइस देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर झांसी रानी की जन्म स्थली है गाइस, देख सकते हैं कितना खूबसूरत। तो गाइस देख सकते हैं उनके पिता मोरोपंत, जो मोरोपंत है उनके नाव में एक दृश्य कितनी खूबसूरत दिखाई गई है गाइस। और इनको प्यार से मनु भी कहा जाता था गाइस, इनका असली नाम मणिकंका थी गाइस, और विवाह होने के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दी गई थी गाइस। आप देख सकते हैं गंगाधर राव व रानी लक्ष्मीबाई की ये खूबसूरत चित्र गाइस, तलवारबाजी करते हुए भाई, छोटी में वो तलवारबाजी बहुत अच्छी करती थी गाइस। बाजीराव पेशवा के देखरेख में मनु का पालन पोषण हुआ था गाइस। और पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई के गोद में मनु जो छोटी जब थी उस तरह से चित्र के द्वारा दिखाई गई है गाइस। माता पिता के देखरेख में गंगा तट पर खेलती मनु गाइस, देखिए कितनी खूबसूरत गंगा तट में खेलती थी गाइस। एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई जो मणिकरण कर्णिका नाम से पहले थी, जब शादी से पहले इनका नाम था गाइस। तो गाइस देखिए दामोदर राव को गोद लेती है रानी लक्ष्मीबाई गाइस, गंगाधर राव का देहावसान व रानी का शोक करते हुए, और ये बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब देते हुए दिख रही है गाइस, और मंगल पांडे का विद्रोह, और अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव का झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, और जंग की जो 1857 के जो विद्रोह और जंग हुई थी यही कारण से हुई थी गाइस। उसके जो दत्तक पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी नहीं मानने के कारण से अंग्रेजों के साथ जंग हुई थी गाइस। और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 का क्रांति का आगाज गाइस, बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअल में रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मस्थली काशी के पावन गंगा तट के इस पावन जगह पर हुई थी गाइस, ये जन्मस्थली है, और 19 नवंबर सन 1835 में हुई थी गाइस। और 1857 में जो जंग हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसमें उनकी वीरगति हो गई थी गाइस, और उनके दत्तक पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी नहीं मानने की वजह से अंग्रेजों के बीच में भीषण युद्ध हुई थी, जहां पर वो उनकी वीरगति हो गई थी गाइस। बाई का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में हुई थी गाइस, और जो हुई थी मोरोपंत तांबे के घर में हुई थी, उनके पापा का नाम था, उनका पिताश्री का नाम थे, और उसके माँ के नाम थे भागीरथी बाई, और ये गंगा के किनारे बनारस में हुई थी गाइस, वाराणसी, और इस जब उसके बचपन का नाम मणिकंका थी गाइस, और प्यार से उसको मनु भी कहते थे और छबिली भी कहा जाता था गाइस। जब ये 2 साल के थे तो उसकी माँ गुजर गई थी गाइस, और उसके बाद उस समय पेशवा के जो बाजीराव द्वितीय जो थे बितूर के नियर कानपुर, उस टाइम रिक्वेस्ट पर बाजीराव जो दूसरे थे मोरपंत जो वहाँ पर काम करते थे, विथ हिज गर्ल चाइल्ड मनु शिफ्टेड कर दी गई थी वाराणसी से और बितूर में 1838 में। और उसके बाद गाइस वो पॉसिबल उसका जो कॉमर्शियल बोट जर्नी ओल्ड बाजीराव एंड इंटीमेसी एंड मैना, और उसके कारण उसकी जो शादी है वो किंग झांसी के जो गंगाधर राव से हुई थी, और उसके शादी के बाद उसके नाम जो है मनु से लक्ष्मीबाई 1851 में कर दी गई थी गाइस, और उसने वो एक बच्चे को जन्म दिया था, और बच्चा जो है 3 महीने का होने के बाद वो देहांत हो गया था गाइस, और उसके बाद वो
उसके जो वो दूसरे जो भाई के जो बच्चे थे उसको गोद लिए थे, और उसको जो अंग्रेज जो शासन जो थे उस टाइम उसको उत्तराधिकारी नहीं मानने के कारण, और उसके बाद उसके जो पति भी देहांत हो गए थे, और देहांत होने के बाद काफ़ी वो अकेला पड़ गई थी, और बच्चा जो गोद लिए थे उसको उत्तराधिकारी नहीं मानने के कारण अंग्रेज़ों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त जंग हुई थी, और जिसके कारण वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी गैस। उस समय में जो रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीर की परिचय और बहुत साहस ढंग से सामना किया, लेकिन कभी भी अपने आप को समर्पण नहीं किया गाइस, और अपने जो अपने अपने जो कर्तव्य जो थी उसके जो कर्तव्य थी वो कर्तव्य को पालन करके जो भी अपनी जान की बाजी लगाती थी गाइस। देख सकते हैं इस वीरांगना के ये जन्मस्थिर स्थली गाइस, जो बनारस के पावन घाट के किनारे गंगा किनारे आप ये आपका ये जन्मस्थली है गाइस, बहुत ही सुंदर। तो गाइस 1858 के दिन जून 17वां दिन था गाइस, और झांसी की रानी ने अदम्य साहस का और परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, अपने यहाँ तक कि अपनी जान देने के भी दान देने से भी नहीं हटी थी गाइस, और उसके एक प्रसिद्ध नारा थी कि मैं झांसी नहीं दूंगी, और अपनी इस झांसी नहीं देने की वजह से वो जंग लड़ते लड़ते लड़ी लेकिन अपनी झांसी नहीं दी, और उसके बाद उस जंग में वीरगति को प्राप्त हो गई गाइस। इस सलाम है गाइस, मैं सलाम करता हूँ इस वीरांगना को, मैं इस जगह पर आया हूँ तो मैं इसको सैल्यूट करता हूँ गाइस, कि उस समय में एक नारी शक्ति का अदम्य साहस परिचय दिया गाइस, कि 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल जो बजा था गाइस, तो एक महिला होने के नाते अदम्य साहस का परिचय दी गाइस, और आत्मसम्मान को कायम रखते हुए और वीरगति को प्राप्त हो गई गाइस। ये नारी शक्ति को के लिए काफ़ी अच्छी प्रेरणा स्रोत है गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो गाइस देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली जो है वो भेदेनी 80 के वाराणसी 80 के गंगा किनारे पर स्थित है गाइस। जन्मस्थली गाइस, तो गाइस देख सकते हैं ये 80 का फेमस घाट है, और ये घाट के ठीक एक गली में मैं मौजूद हूँ, और रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली इसी गली में मौजूद है, इसी बिल्डिंग के पीछे गाइस। जब भी 80 आए तो इस जगह से आकर रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली जरूर देखिए गाइस। गाइस देख सकते हैं गंगामल घाट ठीक इसी ये रूट है आपका रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली जाने का गाइस। ये देखिए ये फेमस जो घाट है ये 80 घाट इसी जगह पर मौजूद है गाइस। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरी 80 घाट के अंदर में रीवा घाट है, तुलसी घाट है, गंगा महल घाट है, ये पूरी घाट यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो गाइस शाम के वक्त है, काफ़ी सुहाना मौसम और बहुत ही खूबसूरत माहौल है गाइस। देखिए बांसुरी बजाते हैं गाइस। मैं अपने ब्लॉग में एक महान शख्सियत थे जो संगीत से जुड़े हुए थे गाइस, मैं उनका ब्लॉग में पूरा डिटेल्स कुछ बताने की कोशिश करूँगा गाइस, आप बने रहे वीडियो में, और ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ।
और वैसे बता दूँ कि ये जो 80 घाट है गाइस, पुरानी कथाओं के अनुसार जो 80 घाट का जो निर्माण हुआ था गाइस, ये माता दुर्गा जब निशुंभ जो राक्षस थे उसको मारने के बाद अपना तलवार फेंकी थी, तो जो 80 नदी के उत्पन्न हुई थी, और इस तरह से ये 80 का जो घाट है निर्माण हुई थी गाइस। और जो वाराणसी जो है वो 80 नदी और वरुणा नदी जो सहायक नदी है वाराणसी बनारस के, उसके संगम दोनों मिलाकर उस तरह से वाराणसी जो पड़ी गाइस। जैसे मूल नाम उसका काशी था गाइस, काशी और बनारस का नाम से जानते ही हैं। तो गाइस एक्चुअल में तबीयत खराब है भाई, जब से मैं आया हूँ गला पूरा बैठा हुआ है, सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए बोलने में कष्ट हो रहा है। अभी मैं लेमन टी पी रहा हूँ गाइस, मेरी लेमन टी एकदम तैयार है। आज देखिए मेरी साइकिल का कितना फ़ायदा, पूरा बनारस में इसी से घूम कर पूरा सूट किया हूँ गाइस। देखिए कितनी खूबसूरत बोट जाते हुए गाइस।